हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के बारे में कि जो मीन राशि के जातक हैं आज का दिन उनके लिए कैसा जाएगा, नौकरी के फील्ड में क्या लाभ मिलेगा, पदोन्नति है या नहीं है, स्थानांतरण होने का योग है या नहीं, आज आपको क्या सफलता मिलेगी, किस फील्ड में प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और राजनीतिक स्थिति क्या है और निर्माण के क्षेत्र में क्या करेंगे, सब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ राशि क्या है, जन्मदिन है आज उस हिसाब से आज आपको क्या करना चाहिए, ये सभी में मैं बताऊंगा। आपके लिए शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है ये भी बताऊंगा, सावधानियां क्या बरतनी ये भी बताऊंगा, उपाय क्या करना है ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। यदि आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हो, कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप शेयर करें और लाइक करें, और आपके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है या कोई प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप अपनी समस्या लिखें, प्रश्न लिखें और अपना जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख के भेजें। अगले कार्यक्रम में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करें। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। एक तो आज आपको नेम फेम मिलेगा, यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, स्थानांतरण का योग बन रहा है और पदोन्नत का भी योग बन रहा है, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। जब कॉर्पोरेट में आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, प्रयासरत कार्यों में आपको धन लाभ मिलेगा। जब कोई कार्य पाइपलाइन में है तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप व्यापार करते हैं या पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप खेल के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो खेल के क्षेत्र से भी आज आपको लाभ मिलेगा, आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ख्याति मिलेगा। यदि आप फिल्मी दुनिया में रुचि रखते हैं तो आप अगर फिल्म बनाते हैं तो उसमें भी आज आपको सफलता मिलने की संभावना बन रही है। प्रतियोगी परीक्षा का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और आज आपकी प्रतीक्षा हो रही है रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपके फेवर में होगा। माली हालत आपकी अच्छी होगी, चतुर्दिक विकास से मन आपका प्रसन्न रहेगा। कुटुंब में बहुत सारे कार्य होंगे जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, आय का जरिया बढ़ेगा। अपने भाई बहनों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपका कोई भाई या बहन अविवाहित है तो उसके लिए गुड न्यूज मिल सकती है, शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ा धोखा मिल सकता है और किसी महिला मित्र के नाते आपका मन तनाव में हो सकता है, उदास हो सकता है। तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें और पत्नी पक्ष से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, जो विवाद चल रहा होगा समाप्त होगा और पत्नी का सहयोग मिलेगा, पत्नी को नई नौकरी मिल सकती है, इसका प्रबल योग बन रहा है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का कालखंड आपके लिए बढ़िया है। आज अगर कोई विद्यार्थी अपने प्रवेश के लिए प्रयासरत है तो उसके अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसके एडमिशन हो सकता है, उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। आपकी संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, आय का जरिया बढ़ेगा, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और नए तरह के कार्य करने से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। भाग्य आपके अनुकूल है, भाग्य से सारे कार्य आज आपके संपन्न होंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी की टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा और अपनी गोपनीयता बरतें, जब तक कार्य न हो जाए तब तक गोपनीयता बरतें। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करें और भगवान शिव को जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करें और गौशाला में जाके गाय को चना जरूर खिलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है हल्दी कलर। हरे कृष्ण।